हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे दर्पण के लिए, मिरर के लिए, 1/f = 1/v + 1/u, उसके बेस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, बट प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप से पढ़ लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर व्हेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। फोकस दूरी ज्ञात करिए जब वस्तु की दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर हो तथा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी तो f होगी, जिसे फाइंड करना है आपको। ठीक है, पता करना है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है मिरर व्हेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, u होती है। ठीक है, वस्तु की दूरी u, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, वो कितनी होती है, v। तो ये कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। तो वही वैल्यू लिख दी, अपने फार्मूला लिख दिया, 1/f = 1/v + 1/v, यानी 1/5 + 1/10। 5 और 10 का एलसीएम लिया। ठीक है, 5 वन था और फिर 5 टू था, फिर 2 वन था, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, तो 10 एलसीएम हो गया। फिर 10 से 5 क्या किया, डिवाइड किया, 5 × 5 = 2 × 2 = 2 × 10 = 10 × 2 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 =
क्या है क्वेश्चन नंबर टू, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर व्हेन फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ कितनी है इस बार 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी वी फाइंड करना है और एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। देखिए वही बात हिंदी में लिखिए, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, हमें वी फाइंड करना है। जब फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी ये एफ हो गया था, वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो वी क्वेश्चन मार्क, एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। देखिए फॉर्मूला लिख दिया दर्पण के लिए, मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, तो 1/5 = 1/v + 1/3, 1/3 को साइड ले जाएंगे, 1/3 प्लस का था, लेफ्ट साइड जाने पर माइनस हो गया, ठीक है, फिर 5 और 3 का एलसीएम ले लिया 15 हो गया, 5 से 15 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 5 3 था, ठीक है, 3 आया, 3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 3, फिर माइनस, फिर 3 से 15 को डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो 3 5 था, 5 आया, 5 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 5, ठीक है, 3 माइनस 5 तो माइनस पर 2, ठीक है, तो माइनस 2/15, बी की वैल्यू को ऊपर लाएंगे तो 15 भी क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो v = -15/2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो और वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां पे ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात होगी, ओके।